आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज वर्क्ड. वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते, पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है, मैं निकला और बाकी गीत भी, तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के जमाने में ये शब्द भी खोते जा रहे हैं. नो, लोग आजकल सम्मान आदर इन चीजों की बात नहीं करते. लोग आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है गदर टू में वो वैल्यूज है. गदर टू में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है. मुझे लगता है वो गदर टू इज बियॉन्ड एंटरटेनमेंट. गदर टू इज व्हाट इंडिया इज, भारत की जो सभ्यता है. और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज के साथ इसके म्यूजिक पर भी काम किया. उदित जी, आप तो इटरनल वॉइस हैं, आप बताइए आपको कैसे लगा? यही जगह है, आप सब लोग आए थे, 5 जुलाई का दिन था, हम लोग गदर टू के प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे. मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रमोशन. लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही, आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि वो फिल्म गदर टू सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता गया छाता गया. और गदर एक प्रेम कथा भी आज 22 साल पहले आई थी, उस वक्त भी यही माहौल था और आज उससे 10 गुना ज़्यादा माहौल है. मतलब कितना लोग प्यार किए हैं इस फिल्म को, आप यकीन नहीं करेंगे. मैं भी अपनी कहानी सुनाता हूँ. जब मैं पहली बार मिठुन जी को, मैंने अनिल जी को बोला कि अब यार गाना मेरा रखना आप. मैंने यूट्यूब पे 2 लाइन 1 लाइन आया था तो मैं सोचा कि शायद मेरा गाना चला गया. तो मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, अनिल जी मेरा गाना आप रख रहे हैं ना? बोले मिठुन को फ़ोन करो. तो मैंने मिठुन जी को फ़ोन किया, बोले आप आइए पहले आपसे बात करेंगे, बैठेंगे स्टूडियो में. तो मैं इनसे मिलने गया तो आप यकीन नहीं करोगे क्या आवाहन आई मेरे दिमाग में. ये मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि इनको मैंने कहा, इन्होंने कहा कि आज बैठेंगे बातें करेंगे. मैं बोला बिल्कुल सही है. लेकिन मैंने इनको कहा कि ये गदर टू जो है माइलस्टोन होने वाली है, आप पूछिए इनको, ये सामने है. सही बात. और मैं एक दिन ट्रेन ऊपर से जा रही थी और मैं क्रॉस हो रहा था, इन हम लोग बात कर रहे थे. मैं बोला मिठुन जी श्योर शॉट है पिक्चर, और वो हो गई. तो पहले से ही खूबसूरत माहौल बनता गया और आज गदर के पूरे टीम को मैं बधाइयां देता हूँ, जी को बधाइयां देता हूँ, हमारे जो वन एंड ओनली डायरेक्टर हैं जीनियस अनिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और करता ही रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है. वैसे पूरे फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ और करता रहूँगा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. और मिठुन जी की बात रही तो मैं बोला मिठुन जी को कि देखिए आप यंग म्यूजिक डायरेक्टर हो, मैं गा पाऊँगा कि नहीं क्या होगा मुझे पता नहीं है. तो इन्होंने बोला नहीं नहीं आप कोशिश तो करिए. आप यकीन नहीं करेंगे, ये अगर कहीं फॉरेन में भी चले जाते थे, कहीं काम में भी चले जाते तो मैं क्या करता था, हर 15 दिन में इनको फोन करता था, मिठुन जी मैं आ जाऊँ गाना करना है. मतलब ये भी सोच में पड़े थे कि यार ये छोड़ ही नहीं रहा है मुझे. तो पूरे टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ और ऑफ कोर्स हमारे सुपरस्टार तारा सिंह जी, सनी देओल जी, शकीना जी, अमीशा पटेल जी. और हमारे एक बात तो तय हो गया, आपने उससे ही इनका अपने बेटे का नाम रखा, तो देखो वो पहले आपके घर में आ गया था ना, तो ये भी एक कमाल है. उससे उदित, उससे उत्कर्ष, गाना भी उसे है ऊर्जा का. और हाँ, असली चीज के लिए आज जो हम लोग आए हैं ना, मैं आने से पहले सब चेक कर रहा था, 105 मिलियन ऊर्जा काले कावा का है. क्या बात है. और गड्डी 100 मिलियन के आसपास आ चुका है. क्या बात है. क्योंकि पहला गाना हम रखते ही, मतलब ये क्या क्या बोलू, कितना शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, आप लोगों का, कि ऊर्जा काले कावा आई और 5 घंटे में कितने मिलियन थे. तो अनिल जी मुझे फोन किए, तो मैंने अनिल जी को कहा कि देखिए क्या कमाल हो रहा है, ये खुशी से मतलब
गदगद थे ये, तो बोला इन्होंने कहा कि पिक्चर फिल्म के लिए भी, मैं बोला कोई रोक नहीं सकता फिल्म को, आप पूछिए। और जो मैंने कहा पता नहीं क्या ईश्वर ने, वो सुन रहे होंगे मेरे बातों को या आप सब लोगों के प्रार्थना को, कि पिक्चर ऐसी हिट हुई, ऐसी हिट हुई कि इसको अभी ब्लॉकबस्टर कहे या उससे भी कोई अगर आगे कुछ हो तो। अभी देखिए अनिल जी, आप मुकरना मत, आप तो कितने पीढ़ी के लिए अंदर कर रहे हैं, एक छोटे भाई की अभी ध्यान रखना आप। अभी तक लेना खींचे ही जा रहे हो। हमारी हमारी नई हीरोइन है, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया, वो तो आप लोगों ने देखे। एक कमाल है लाइफ में, एक चीज मैंने देखा कि जब पिक्चर सुपरहिट होती है ना तो सब अच्छे लगने लगते हैं। अभी देखिए जब पिक्चर, मतलब हम लोग कोई कोई सीन देख रहे थे तो लग रहा था कि कोई कहते थे कि अनिल जी का लड़का है इसमें, सनी जी है, थोड़ा रिस्क तो है। मैं बोला कोई रिस्क नहीं है, अगर गदर एक प्रेम कथा सुपरहिट हुई तो ये गदर टू भी उससे 10 गुना ज़्यादा हिट होगी। तो मैं बख्शी जी, उत्तम जी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार आशीर्वाद उन्होंने 22 साल पहले भी दिया, अनिल जी ने दिए, और आज हमारे यंग म्यूजिक डायरेक्टर मिठुन जी ने इतना प्यार दिया। और मैंने इनको कहा कि जल्दी से आप नया कोई ऐसा गाना गाओ ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि गदर एक प्रेम कथा का गाना हिट हुआ है तो अभी कोई नए फिल्म का गाना भी हिट होना चाहिए। ब्राह्मण आदमी हूँ ना, तो झूठ सच्चाई भी बोल दिया मैंने ताकि गाना जल्दी से आता आता है गाना आपसे। मिथुन जी आपको कैसे लगा उदित जी का इमोशन देख के? नहीं, मैं वही, मैं बहुत प्रेरित हुआ उदित जी से, क्योंकि जितना काम इन्होंने किया है, हम सब, मैं, उत्कर्ष, सिमरत, हम बड़े हुए इनकी आवाज सुनकर, और हमने बहुत इनको, हम बहुत प्रेरित हुए इनसे। जब मैं उदित जी से पहली बार मिला, मैं इनके उत्साह, इनके ऊर्जा को देखकर बहुत बहुत प्रेरित हुआ, क्योंकि मुझे लगा एक व्यक्ति जिसने इतना काम किया, जिसने इतने सारे उन्होंने हिट्स देखे, इतने सारे दौर देखे, उसके बाद भी इनके अंदर एज एन आर्टिस्ट वो जो अच्छे काम की भूख है, मुझे लगता है ये हम यंग आर्टिस्ट को ये बात सीखनी चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये किसी लालच से नहीं, इनका प्रेम है संगीत के लिए, जिस कारण ये गदर टू से जुड़ना चाह रहे थे, उन गीतों को गाना चाह रहे थे। और मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ, मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर ये गीत जिसे इतने चर्चित हुए, इतने फिर से कामयाब हुए हैं, उसमें से एक बहुत अहम रीजन ये है, एक अहम कारण ये है कि उसमें जो आवाज जो है वो उदित नारायण जी की आवाज। तो हो जाए, तो हो जाए। उत्कर्ष, अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत अपने फीलिंग सामने बयां की है, लेकिन आज म्यूजिक रिलीज की सक्सेस पार्टी पर कोई जो अल्फाज अभी भी रह गए हैं और आप चाहते कि अब तो मैं बोलना ही चाहता हूँ, प्लीज आपको सुनना ही। डेफिनेटली इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है, जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चलते रेश्क, में चलते रेश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी में हम देखने गए थे, एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर वन में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले 2 लाइन्स पे ही थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई गाने, क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूजिक है वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उस पर बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक पीपल वर टैगिंग मी एंड सिमरत ऑन रील्स एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो कि वी आर गोइंग टू द मूवी टू वॉच द सॉन्ग सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस द सॉन्ग विद द कोरियोग्राफी एंड विद द प्रॉपर साउंड। तो ये बहुत, ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना देखने जा रहे हैं पिक्चर में और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, तो इट्स अ टेस्टमेंट टू हाउ बिग ऑफ अ सक्सेस दिस म्यूजिक एल्बम ऑफ गदर टू इज। एंड
आजकल क्या होता है, गाने बस एक हफ्ते के चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स आ गए हैं. बट जो एल्बम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ सईद कादरी जी ने लिखा है और इन्होंने उसका म्यूजिक किया है, और उदित जी और भी जो सिंगर्स हैं, नीति मोहन जी, अरिजीत सर और सुखविंदर जी, अलका जी, ये सब ने जो उसमें वॉइस दिया है, अपना जो किया है, हम एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करने में, एंड ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है, और आई एम श्योर ये गाने लाइफ लॉन्ग रहेंगे. सईद कादरी जी मुझे लगता है कि मैं उनको आज हमारे देश के सबसे बड़े शायरों में से एक मानता हूँ. मुझे लगता है जो काम उन्होंने किया है, क्योंकि जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि मैं सिनेमा का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और अनिल जी जिस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने बख्शी साहब के साथ काम किया, उन्होंने लक्ष्मीकांत बैरला जी के साथ काम किया है, उन्होंने बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया, तो वो चाहे हसरत जयपुरी जी हो, राजा मेहदी अली खान साहब हो, मजरू सुल्तानपुरी साहब हो, साहिर लुधियानवी जी हो, ये जो काम, इनका काम जिन्होंने सुना है, उनके साथ काम करने के लिए आपका एक स्तर होना बहुत ज़रूरी है, और उस पायदान पे उतरने के लिए मुझे लगता है सईद कादरी साहब से बेहतर कोई हमें लेखक मिल नहीं सकता था. और उन्होंने वो पहली लाइन में ही, जब अनिल जी ने हमें ब्रीफ किया, हमने खैरियत की बात की, अब देखिए इस किस्म के बोल जब वो लिखते हैं कि कभी तेज धूप उसको उस कभी तेज धूप उसका बदन जला ना पाए, कभी बारिशें भी उसको बीमार कर ना पाए, हो लिहाफ तन पे उसके, तेरे हाथों से तू ढकना,